हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जो वीडियो हम देखने वाले हैं ये एंगल ब्रैकेट एनालिसिस के बारे में होने वाला है। हमारा वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक स्केच बनाना है। जैसा फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे एक स्केच बना लिया है। इसके मैंने डायमेंशन दे दिया है, इस तरह से डायमेंशन दिया है। आप डायमेंशंस ये डायमेंशन दे सकते हो। देन हमें इसे एक्सट्रूड करना है। ओके, तो एक्सट्रूड करने के लिए हम प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से मिड प्लेन ले लेंगे एक्सट्रूड में और 100 दे देंगे, मतलब 50 का पॉजिटिव साइड, 50 नेगेटिव साइड। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से एनोटेशन जो था हमारा वो ऑफ कर लेंगे। ओके, देन हमें यहाँ पे फिलेट्स देना है। ओके, तो जैसा यहाँ पे एक फिलेट दे देते हम, एच फिलेट यहाँ दे देंगे। अभी इसके जो पैरामीटर्स है वो देता हूँ मैं 25। अगर आप बढ़ाना चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो। फिलहाल में अभी और बढ़ाना है हमें यहाँ पे इसे, हमें देना है अभी 35 दे देते। ओके, दूसरा वाला भी दे देंगे हम 35। देन ओके कर देंगे। ओके, तो देखिए ये 35 का आ गया है। अभी ये जो साइड है फिलहाल में हम इसको स्ट्रेट रखेंगे। अगर आप चाहो तो उसको फिलेट दे सकते हो। देन यहाँ पे हमें दो होल्स करना है, तो हम यहाँ से होल कमांड ले लेंगे। देन फेस सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमें होल चाहिए तो ये फेस सिलेक्ट कर लेंगे। दो पोजीशंस दे देंगे यहाँ पे, एक यहाँ पोजीशन देता हूँ मैं, अभी रैंडम पोजीशन दे रहा हूँ। अगर आपको इसको कंस्ट्रेंट देना है, जैसा इसको कुछ एंट्रिक करना है इसके साथ में, तो जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए दोनों चीज़ें और यहाँ से आप उसको रिलेशन दे सकते हो कुछ एंट्रिक, और सिमिलरली इसे भी दे सकते हो कुछ एंट्रिक। ओके, तो दोनों को कुछ एंट्रिक दे दिया हमने। यहाँ से हम उसके पैरामीटर्स डिफाइन कर देंगे। जैसा कि ये थ्रेडेड दिखा रहा है, यहाँ पे हमें चेंज करना है। हमें सिंपल होल चाहिए तो सिंपल होल ले लेंगे यहाँ से। देन जो स्टैंडर्ड का चाहिए, एनसीमेट्रिक चाहिए हमें। देन यहाँ जो साइज़ है उसका 10 mm चाहिए, तो हमने पैरामीटर्स उसे दे दिया है। ओके, ये होल्स हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पर फिक्स सपोर्ट देना है। एंड बाउंड्री कंडीशन, जो लोडिंग कंडीशन रहेगा वो यहाँ पर रहेगा हमारा। ओके, सो अभी हमको क्या करना है, एडियंस में जाना है, सॉलिड वर्क सिमुलेशन को ऑन करना है क्योंकि इस पर हमको सिमुलेशन करना है। सो सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो न्यू टैब रहेगा, सिमुलेशन वाला जो टैब है यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब इस पर क्लिक करेंगे हम, न्यू स्टडी लेंगे। न्यू स्टडी में जाने के बाद में हम सिलेक्ट कर लेंगे स्टैटिक, देन ओके कर लेंगे। जो स्टडी है हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से अप्लाई मटेरियल करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, तो अप्लाई मटेरियल में जाके जो भी मटेरियल आपको अप्लाई करना है, जैसा अभी यहाँ पे लेंगे हम अलॉय स्टील ले लेते हैं, इसे अप्लाई कर देंगे, देन क्लोज कर देंगे। तो मटेरियल अप्लाई हो गया हमारा। देन नेक्स्ट जो रहता है हमारा, बाउंड्री कंडीशंस देना रहता है। तो फिक्स ज्योमेट्री करता हूँ मैं यहाँ पे। फिक्स ज्योमेट्री करने के बाद में ये जो दो होल्स है इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ये पहला होल और ये दूसरा होल। ओके, तो ये क्या है हमारे फिक्स सपोर्ट, इसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लॉक कर दिया है। देन हम नेक्स्ट जो देंगे वो लोडिंग कंडीशन देंगे, फोर्स देंगे ये वाले फेस पे। अभी मैं यहाँ पे 250 न्यूटन का देता हूँ फोर्स, देन ओके कर लेंगे आप। ओके, इसके अलावा कनेक्शन असेंबली के वक्त में देना पड़ता है, फिलहाल में हमारा असेंबली नहीं है। देन हम मैश कर लेंगे यहाँ पे, क्रिएट मैश। सिंपल बाय डिफॉल्ट मैश जो रहता है वो जनरेट कर रहे हैं हम। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैच जनरेट हो जाएंगे आपका। ये मैच जनरेट हो गया है, डिफ़ॉल्ट मैच है, हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। देन मैच जनरेट करने के बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो सॉल्व करने के बाद में आप देख सकते हो ये हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं। अभी जो हमारा रिजल्ट स्टार्ट है वो स्ट्रेसेस वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ रहा है 8.06 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ओके, और इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना है वो भी यहाँ पे गिवन है, तो उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारा मॉडल सेफ है या नहीं है। एंड डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है रेड जोन, तो इसका जो रेंज है 0.7 × 10^-2। ओके, तो इस तरह से रेंज दिया हुआ है। देन स्ट्रेन का भी यहाँ पे पैरामीटर रहता है, तो आप ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से देख सकते हो। देन यहाँ पे एनिमेशन भी आप उसका प्ले करके देख सकते हो। ओके,
तो यहाँ से आपका एनालिसिस जो है वो हो जाता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।